अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फैजान नजीब और मैं हूं फवाद आलम एंड वी आर हियर विद द फाइनल एपिसोड ऑफ जुबली बेफिकर मोमेंट ऑफ द मैच एचबीएल पीएसएल 8 लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। टू कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज फॉर लाहौर कलंदर्स और हु बेटर देन टू हैव हारिस रऊफ द प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स इटसेल्फ। हारिस, पहले तो सिर्फ इस फीलिंग के बारे में बताएं कि यू नो पहली टीम बन गई जो दो कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज जीती है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि और जिस तरह बैक टू बैक हम चैंपियन हुए पीएसएल के। ओबियसली बात है, स्टार्ट में जितना स्ट्रगल कर रहे थे और कोशिश यही थी कि यार चैंपियन बने और नो डाउट जिस तरह की अब हमारी टीम एक बनी है और उस पर काफ़ी बिलीव है। एक और अच्छा बन चुका है हमारा, जैसे राशिद के आने से, विजय के, शहीन, मैं, फखर भाई, एक भी पांच प्लेयर हम ऐसे हैं जिनके सराउंडिंग में बाकी प्लेयर्स खेलते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि लास्ट ईयर ये था कि यार एक अपना कोर मजबूत किया जाए ताकि इस साल भी जो लास्ट ईयर हमारी टीम जिस तरह खेली थी उसी तरह दोबारा खेलें और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा चैंपियन हुए। और जाहिर बात है कोई भी चैंपियन टीम हो उसकी फीलिंग्स या उसके प्लेयर्स की फीलिंग्स डिफरेंट ही होती हैं। तो फाइनल था मुल्तान के साथ और पहले जो प्लेऑफ का जो पहला मैच हुआ था वो मैच हारे भी थे, तो कहीं ना कहीं प्रेशर था। और जब शुरुआत हुई बैटिंग की तो बीच में ऐसा लग रहा था कि यार ये 160 कर लेंगे तो बहुत होगा, लेकिन तो 200 रन भी कम पड़ रहा था फिर तो। नहीं, नो डाउट, सारी बात है जिस तरह प्लेऑफ में मुल्तान के ख़िलाफ़ हम हारे भी और बट एक बिलीव था अपने सबका, अपने सारे प्लेयर्स का आपस में, और उसी वजह से हम मैच जीते अगेंस्ट पेशावर जलमी। और ओबियसली बात है जब फाइनल मैच होता है, बड़ा मैच है, इसमें समटाइम्स अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और गिव अप नहीं कर रहे थे और होप थी कि इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। और नो डाउट जिस तरह शहीन ने मोमेंटम आके पकड़ा बैटिंग में दोबारा और हमने 200 रन चेस किए, उसके बाद जिस तरह का ड्यू फैक्टर था काफ़ी ज़्यादा, बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था बट ये कोशिश कर रहे थे कि स्ट्रिक किया जाए उनको। गुड कवरिंग। अरे उस लास्ट ओवर के बारे में बताएं, हम खड़े हुए थे, हमारा तो दिल धक धक कर रहा था, जितने लोग स्टेडियम में थे, जो लोग टीवी पे देख रहे थे, सभी का दिल धक धक कर रहा था। आप अपने हालात, अपने जज्बात बताएं। नो डाउट, आपको बताने बात है, आपकी उस टाइम जो सा है प्रेशर होता है और कोशिश यही कर रहा था कि यार बॉल डॉट हो जाए बट वो उन्होंने जिस तरह शॉट्स लगाए, जारी बात है जिस तरह की जब कंडीशन बन जाए फिर मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, बट कोशिश ये कर रहा था कि यार उसके लिए लास्ट ओवर में ज़्यादा रन छोड़ा जाए। बट जिस तरह जमान खान को क्रेडिट जाता है कि उसने आके लास्ट ओवर किया और मेरी भी इज्जत रखी और टीम की भी इज्जत रखी। अच्छा आजी साहब, एक बहुत मुश्किल सवाल है आज का और वो ये है कि कहाँ पर आपको लगा कि लाहौर कलंदर ये मैच जीतेगा? जुबली बेफिक्र मोमेंट वो क्या था आपका कि जहाँ पर आपको लगा कि मैच जीतेगा? वो मुश्किल सवाल है, बताओ कब लगा? काफ़ी ऐसे आए थे मोमेंट्स आए थे कि जिसमें लगा कि आप दोबारा कैंप मैच में आ चुके हैं, जिस तरह शहीन ने आकर रन्स किए वो भी एक मोमेंट था। फिर लास्ट में जिस तरह का जो इन्वायरमेंट सेट हो चुका था और जिस तरह आके जमान ने बॉलिंग की और जब उसने 2-3 बॉल डॉट किए और वहाँ पे फील दोबारा एक होप मिली कि यार इंशाल्लाह मैच विन कर सकते हैं। ये क्या और फिर ये क्या था? एक सेकंड, वापस से, मतलब ये क्या था ओवर के बाद और फिर ये क्या था और जब कोई समझाने आ रहा था तो और फिर उसके बाद अब मैं लेट के बता नहीं सकता, लेट जाए कोई ऐसा लग रहा था कि खुले में अंदर चला जाऊं, मतलब क्या था इसका कुछ जवाब प्लीज। इसमें क्या जवाब दूं, सब कुछ इशारों में सब कुछ बता दिया। नहीं, जोक्स आर पार्ट, बहुत 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 मुबारक हो आपको एक दफ़ा फिर, बहुत बड़ी बात है कि दो दफ़ा जो है लाहौर के अंदर जो है जीता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट थी उनकी जो वो शुरू से कर रहे थे आप लोगों सबके साथ, बहुत सी बातें भी उनको सुननी पड़ी लेकिन आखिर में आके सब उनको उसका फल मिल रहा है। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। कोई एक ऐसा जो है मैसेज देना चाहे अपने फैंस के लिए, लाहौर के लिए और अगले आने वाले पीएसएल के लिए भी? देखिए बिल्कुल, आपने जिस तरह मेंशन किया कि सब्र किया, कई बातें भी सुनी और बट ये कि गिव अप नहीं किया, उन्होंने भी, ऑनर्स ने भी और हमने भी, और उनको भी कई बातें सुनने को मिली, हमें खुद भी काफ़ी मिलती थी और बातें, आप रिश्तेदारों में बैठते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, बट ये कि जिस तरह के हमारे फैंस उन्होंने थ्रू आउट हमें सपोर्ट करते रहे चाहे हम हारते रहें, और जिस तरह आज भी आकर उन्होंने जिस तरह जितने भी हमारे लाहौर में SPSL मैचेस हुए और आके उन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया और काफ़ी लगता था कि यार बाकी हम अपने होम ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं और फैंस के लिए इस तरह सपोर्ट करते रहें और इस तरह हम आपको खुश करते रहेंगे। वेल ट्रूली अ कलंदर हारिस रऊफ। हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो
all the best for future. That's all from Jubilee Befikar Moment of the Match. See you guys in the next season. Jubilee Insurance. Befikar Mustaqbil.